हेलो बच्चों तो क्या हाल चाल है सब बढ़िया है ठीक ठाक इस सेशन में हम लोग देखेंगे स्केप विलासटी एंड स्केप एनर्जी इस्केप विलासटी ऑफ अर्थ तो अर्थ के कंडीशन में जो इस्केप विलासटी होती है उसका फॉर्मूला होता है आ, टू जी एम ई अपॉन आर ई ये मिलता है और इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड बहुत ज़्यादा होता है यानी वन सेकेंड में 11.2 किलोमीटर काफ़ी अधिक है आ, ये प्लान सॉरी इसके विलास्टी अब इसको फाइंड करने के लिए एक्चुअल में है क्या इसके बिलासटी अगर कोई स्टोन है और मान लेते हैं कि इस स्टोन को हम थोड़ा सा ऊपर भेजते हैं कुछ ऊपर जाएगा फिर ड्राप करेगा फिर कुछ ऊपर जाएगा फिर ड्राप करेगा फिर कुछ ऊपर जाएगा और एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा और फिर वो कभी भी आ, रिटर्न होकर वापस नहीं आएगा तो जिस स्पीड से हम उस स्टोन को फेंके और अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से आ, बाहर निकल गया आ, उसको बोलते हैं स्पीड को बोलते हैं पलायन स्पीड ये है अब मान लेते हैं देखें कि अब कुछ सिचुएशन होते हैं कि स्टोन जो होता है अर्थ सरफेस से फेंका गया तो ये होता है जिसको बोलेंगे स्टोन जो होता है अर्थ के सरफेस मान लेते हैं कि ये अर्थ है हमारी और यहाँ से आ, कुछ आ, हाइट पर से स्टोन यहाँ से फेंका गया तो ये स्टोन जो होता है कि इस सरफेस से बाहर इस तरह से चला गया तो ये सिचुएशन बन सकता है कि ये ऐसे जो होता है सर्कुलर मोशन भी कर सकता है आ, ये स्टोन जो होता है इलेप्टिकल मोशन भी कर सकता है कब कब किन किन कंडीशनों में इलेप्टिकल मोशन करेगा और ये स्टोन अर्थ पर भी आ सकता है और ये स्टोन जो होता है कि पैराबोलिक पाथ भी बना सकता है स्टोन हाइपरबोलिक पाथ भी बना सकता है ये नाम दे देते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये हो गया हमारा फिफ्थ अब स्टोन जो हमने दिया उसकी विलास्टी हम मान लेते हैं भी और एक कंडीशन आएगा कि जब ये इसके अर्थ के चारों ओर अराउंड जो होता है मूव करेगा रिवॉल्व करेगा तो उसकी विलास्टी मान लेते हैं कि वो आर्बिटल विलास्टी होती है और व्ही और ये होता है हम लोग सेटेलाइट के कंडीशन में इसको आ, निकालेंगे जी एम अपॉन आर ये होता है हमारा तो ऑर्बिटल विलास्टी और स्टोन को हमने कौन सी विलास्टी दी वी स्टोन को विलास्टी दिया भी तो जब स्टोन को हमने भी बिलासटी दिया है तो अगर ये विलास्टी इस आर्बिटल विलास्टी से कम हो जाए आर्बिटल विलास्टी से फिस फर्स्ट सिचुएशन तो उस कंडीशन में हमारा जो स्टोन होगा वो पैराबोलिक पाथ पर पैराबोलिक पाथ पर मूव करते हुए कहाँ पे आ जाएगा अर्थ सरफेस पर आ जाएगा वो स्केप नहीं करेगा सेकेंड कंडीशन की जो हमने स्टोन को स्पीड दिया वो आर्बिटल विलास्टिक के बराबर हो जाए इक्वल हो जाए उस कंडीशन में ये स्टोन जो होता है अर्थ के राउंड रिवॉल्व करेगा इन सर्कुलर आरबी तो इस कंडीशन में जो स्टोन है वो अर्थ के राउंड सर्कुलर आर्बिट में रिवॉल्व करेगा ये सिचुएशन बनता है थर्ड सिचुएशन बनता है कि जो हमने ये स्पीड दिया है अर्थ इसको स्टोन इस को वो ऑर्बिटल स्पीड से अधिक हो लेकिन इससे इसके विलास्टी से कम हो तो उस कंडीशन में जो हमारा स्टोन होगा वो इलिप्टिकल पाथ पर एलिप्टिकल पाथ पाथ को फॉलो करते हुए अर्थ के राउंड रिवॉल्व करेगा इलेप्टिकल पाथ हो जाएगा उसका और ये थर्ड सिचुएशन है इलेप्टिकल पाथ में वो क्या करेगा रिवॉल्व करेगा फोर्थ सिचुएशन है कि अगर हमने स्टोन को जो स्पीड दिया वो इसके इलास्टिक के इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में फोर्थ हो जाएगा और जो स्टोन है हमारा पैराबोलिक पाथ पैराबोलिक पाथ पर चलते हुए पाथ पर चलते हुए इस्केप कर जाएगा ये कंडीशन हुआ इस्केप करने का यानी जो हमने स्टोन इस, इस को स्पीड दिया है अगर इसके बिलास्टिक के बराबर इक्वल हो गया यानी इसके इक्वल हो गया उस कंडीशन में हमारा जो स्टोन होगा वो तो पैराबोलिक पाथ पर चलते हुए इस्केप कर जाएगा और फिफ्थ है कि जो हमने स्टोन को स्पीड दिया वो इसके विलास्टी से अधिक हो जाए तो इस कंडीशन में भी वो इस्केप करेगा लेकिन इस बार उसका पाथ जो होगा हाइपरबोलिक पाथ पर चलते हुए इस्केप करेगा इस बार हाइपरबोलिक पाथ हो जाएगा उसका तो हाइपरबोलिक पाथ पर चलते हुए इस्केप करेगा ये था कंडीसन अब इसके विलासटी को फाइंड करने के लिए कुछ एजम्पसन सपोज किया जाता है और वो एजम्पसन हम लोग लिखेंगे पहले आप इसको नोट करें फिर एजम्पसन देखते हैं और फिर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं वो देखते हैं तो फाइंड करेंगे फिर कुछ न्यूमेरिकल फिर इस्केप इनर्जी देखेंगे और इस्केप इनर्जी के बाद आ, हम लोग कुछ बेहतर नमेरिकल दो तीन करेंगे और फिर आप नोट करें ओके ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके ओके तो ये था हमारा आ, अब आते हम लोग इस पर एजम्सन है इसके फाइंड करने के लिए एजम्पन लिया जाता है और पहला एजम्पन है कि अर्थ अर्थ इज होमोजेनियस होमोजेनियस सॉलिड सॉलिड स्फेयर होमोजेनियस सॉलिड स्पेयर फर्स्ट एजम्पन है कि अर्थ हमारी होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर है सेकंड एजम्शन है एक्सटेंशन एक्सटेंशन ऑफ अर्थ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनफाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनफाइनाइट थर्ड एजेंशन है मास ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन मास यानी जिस स्टोन को हम फेंक रहे हैं जिस स्टोन को फेंक रहे हैं उसका मास जो होता है किसे मास ऑफ अर्थ से uh, कम होना चाहिए रीजन बिकॉज रीजन इसलिए लिया जाता है कि अगर मास ज़्यादा होगा मास कम इसलिए लेते हैं कि स्पीड ऑफ मास जो स्पीड ऑफ मास है सॉरी स्पीड ऑफ अर्थ है वो चेंज ना होने पाए तो जो स्पीड कह लें कि स्पीड ऑफ अर्थ इज शुड नॉट बी चेंज चेंज नहीं होनी चाहिए इसलिए ऐसा है कि मास ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से अधिक होना चाहिए फोर्थ है कि जो हमारा एयर रेजिस्टेंस है एयर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबुलग्लिजिबल निगली एयर रेजिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए निगलिजिबल होना चाहिए यह कॉन्सेप्ट मानकर जो होता है ये फोर एजाम्पन है आ, किसके लिए आ, ये इसके जो हमारी स्केप बिलास्टी है उसको फाइंड करने के लिए फोर खूबसूरत एजाम्पन लिए जाते हैं और उसके बाद से इसके बिलास्टिक को फाइंड किया जाता है अब यहाँ पे है कि देखिए कि हमने जो स्टोन को फेंका वो क्या किया है प कर गया इस्केप मीन्स इन्फिनिटी पर चला गया और अर्थ का ग्रेविटेशनल यहाँ पे एजेंशन क्या है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सटेंशन ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट है और इन्फिनी पर चला गया तो इनफिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो दोनों हमारे क्या होते हैं इन्फिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है और पोटेंशियल है अब यहां पे हम लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल इनर्जी तो कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मकैनिकल मकैनिकल इनर्जी और स्पीड स्लो हो रहा हो तो अब बढ़ाकर देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल इनर्जी यू इनिशियल प्लस या के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल ये हुआ के इनिशियल यानी वन बाई टू एम भी ई स्क्वायर ऑफ माइनस पोटेंशियल इनर्जी लेते हैं तो जी एम ई यम अपॉन आर ई जी एम ई एम अपॉन आर ई ये पोटेंशियल इनर्जी ऑफ अर्थ अगर कोई ऑब्जेक्ट है और अर्थ सरफेस पर है आ, सपोज करें कि यहाँ पे एम यह मास है और ये मास ऑफ अर्थ है मासफर तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होती है माइनस जी एम ई एम अपॉन ये हो गया आर ये होता है लेकिन अगर यहाँ पे है तो आ, सेंटर से लेंगे तो ये रेडियस आर ही होगा तो इसको हम क्या ले लेंगे आर ये आ, मिलेगा हम लोग को और के फाइनल मतलब के इंफिनिटी है तो जीरो और U फाइनल भी जीरो होगा हमारा अब ये ऐसे लिख सकते हैं हाफ एम भी ई स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई एम अपन आर ई ये कहलाता है इस्केप एनर्जी इसी को बोलते हैं इस्केप एनर्जी हाफ एम भी इस्क्वायर इक्वल टू जी एम ई एम अपन आर ई ये इस्केप एनर्जी है इतनी एनर्जी अगर हम किसी को दे देते हैं तो वो इस्केप करेगा अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे भी कर ले कर सकते हैं जी एम ई अपॉन आर एक आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल जी होता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को ये बताए थे कि स्मॉल जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर होता है आर ई e यहाँ से हटा लें तो जी आर इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई तो ये हो गया इतना लिख सकते हैं इसके जगह पर तो ये हमारा जी एम ई आर जी आर ई एम जी आर ई लिख सकते हैं तो ये इसके पिनर्जी है अब ये यम से यम कैंसिल हुआ टू को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो वी ई इक्वल टू टू जी एम ई अपन कितना हो गया आर ई ये हो जाएगा वी ई स्क्वायर तो वी ई इक्वल टू अंडर उड टू जी एम ई अपन आर ई अगर अर्थ सरफेस से कुछ हाइट है अर्थ सरफेस से मान लेते हैं कि यहाँ से स्केप कराया गया फेंका गया यच हाइट से तब उस कंडीशन में यही फार्मूला हम लोगों का इतना हो जाएगा टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच तब ये यूज करेंगे उस कंडीशन में अगर अर्थ सरफेस है और ये फॉर्मूला सिर्फ अर्थ के लिए अन्य प्लेनेट है उसके लिए फार्मूला चेंज होगा मास चेंज होगा बाकी चीज़ें और ये आर ई चेंज होगा बाकी चीज़ें तो सेम रहेंगी जी तो यूनिवर्सल है वो हर जगह समा सेम है तो अब अर्थ सेंटर फॉर अर्थ के कंडीशन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको नोट करें तो फॉर अर्थ के लिए हम आ, पहले बताएं कि 11.2 होता है इसको नोट करें तो फिर हम कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कितना आएगा चलें लिख लें लिख लिया ओके तो ये था हम लोगों का अब यहीं पे हम कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं कि कितना होगा अर्थ के कंडीशन में जी इक्वल टू होता है 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस इलेवन और आ, मास ऑफ द अर्थ ये होता है 6 इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी फोर के जी ये हो गया और रेडियस ऑफ दी अर्थ होता है सिक्स पॉइंट थ्री सेवन सिक्स पॉइंट फोर भी लिया जाता है सिक्स मीटर एंड पुट पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं एंड सॉल्व वी गेट रिजल्ट तो वी इक्वल टू टू जी की वैल्यू आया सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टें टू पॉवर माइनस इलेवन सिक्स इंटू टें टू पॉवर ट्वेंटी फोर अपान ये आएगा आर की वैल्यू सिक्स पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेंट पॉवर सिक्स साल करें तो एलेवन पॉइंट टू इंटू टेंट पॉवर थ्री मीटर पर सेकेंड और इसको हम लिख सकते हैं इलेवन पॉइंट टू इन टेन टू पावर फोर किलोमीटर पर सेकेंड ये हमारा होगा अर्थ सॉरी 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 गलत इलेवन पॉइंट टू इतने को हम क्या लिख सकते हैं किलोमीटर लिख सकते हैं तो इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड इसके वैसटी फ्रॉम अर्थ सरफेस अर्थ सरफेस पर इतनी इसके विलसिटी होती है अब आ, एक इसके विस्टी से रिलेटेड ही कंसेप्ट होता है ब्लैक होल का तो ब्लैक होल एक्चुअल में है क्या तो ब्लैक होल आ, कहें कि एक ऐसा छोटा कह के, -के -की जिसकी आ, जिस ऐसा आ, कह दें कि छोटी जगह है जहाँ पे जहाँ से लाइट भी पास नहीं हो पाती है लाइट भी पास नहीं होती है तो वो आ, हमारा बन जाता है अगर अर्थ के कंडीशन में कहें कि अर्थ अर्थ अपने रेडियस मास नहीं चेंज होना चाहिए कि अर्थ अगर अपने मास को सॉरी रेडियस को रिड्यूस करने लगे रिड्यूस करने लगे तो कितना रिड्यूस कर दे कि वो चेंज हो जाएगी ब्लैक होल में इस कंडीशन तो ब्लैक होल का कंडीशन होता है कि इसकी वैल्यू टू जी एम ई अपन आर ई की वैल्यू अगर स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट आ, के इक्वल हो जाए या ग्रेटेड हो जाए तो ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट होगा आ, जैसे अर्थ ही है तो अर्थ भी हमारी कैसे बिहेव हो जाएगी जो होता है कि ब्लैक होल की तरह से बिहेव करने लगेगी तो ये होता है कि ब्लैक होल और इसके विलासिटी में क्या रिलेशन होता है और ये कंडीशन में इतनी छोटी हो जाएगी कि इसकी जैसे देखें कि अब ये रिड्यूस हो रहा है तो वी ई इक्वल टू कितना है अंडर उट टू जी एम ई अपॉन आर ई अगर हम इसके लिए ना लें पूरे इनवर्स के लिए लें तो ये फार्मूला होगा अब इस फॉर्मूले में देखें तो आर जब रिड्यूस होगा तो ये क्या होगा इंक्रीज करेगा इसके बिलासटी बढ़ता जाएगा और ये ज़्यादा रिड्यूस लगभग नाइन मिलीमीटर का मास नहीं चेंज होना चाहिए मास तो सेम होना चाहिए अगर हमारी अर्थ है नाइन एम एम की रह जाए तो उस कंडीशन में वो बिहेव करी ब्लैक होल के लिए होल की तरह से तो ये देखें कि आर रिड्यूस होगा तो इसके बिलासिटी बढ़ेगी तो वही काम होता है कि अगर इसका मान स्पीड इस ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए या उससे अधिक हो जाए तो उस कंडीशन में ये जो होता है अर्थ बिहेव्स करने लगेगी किस तरह से आ, ब्लैक होल की तरह से तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो बिहेव करने लगे अब ब्लैक होल से और ब्लैक होल हाई डेंसिटी का आ, रीजन होता है जिससे लाइट भी पास नहीं हो पाती है उससे उसका ग्रेविटेशनल फील्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है उससे लाइट भी हम बाहर भेजना चाहें तो लाइट भी उससे पास नहीं होगी उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा तो ये ब्लैक होल का था इसके ब्लास्टी से रिलेशन अब एक दो हम लोग नोमरिकल कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम डेंसिटी के टर्म में भी इसके विलास्टी को बता देते हैं कि डेंसिटी के टर्म में कितना आएगा तो विलासटी तो हम लोगों की मिली है आ, कह दें कि वी ई इक्वल टू इसके विलास्टी है टू जी एम ई अपॉन आरबी इतना है चलिए तो देखें कि आ, मास ऑफ दी अर्थ लिख देते हैं फोर बाई थ्री पाई आर ई पर क्यू ये हो गया सॉरी वॉल्यूम ऑफ दी अर्थ तो मास ऑफ दी अर्थ हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो डेंसिटी ये ले लिया तो मास ऑफ दी अर्थ हो गया वी ई इक्वल टू अंडर टू जी एम की वैल्यू हम रख देते हैं फोर बाई थ्री पाई आरि पर क्यूब रो अपन आर री ये मिला हमको अब देखें कि ए कैंसिल हो गया टू बचा ये बाहर निकल कर आ जाएगा तो आर ई यहाँ पे ले लेंगे और ये हो गया टू जी और आ, टू सॉरी एट हो गया फोर इंटू टू जाए एट पाई बाई थ्री एट पाई बाई थ्री जी और ये हो गया रो आ, इसके ब्लास्टिक इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी डेंसिटी के टर्म में इसके ब्लास्टिक का एक फार्मूला हुआ अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप नोट करें इसको आ, नोट कर लें और नोट करेंगे तो फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं ओके नोट कर लिया नोट कर लिया ओके okay. तो देखिए एक क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन ये है कहते हैं क्वेश्चन है हमारा कि एक प्लेनेट है आ, अर्थ अर्थ का इसकी विलासिटी दे रखा है इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड और एक प्लेनेट एक प्लेनेट है जिसका रेडियस रेडियस जो होता है वो अर्थ के रेडियस का वन बाई टू है यानी रेडियस ऑफ प्लेनेट इक्वल टू वन बाई टू रेडियस ऑफ अर्थ और मास जो है वो प्लेनेट का है वन बाई फोर टाइम मास ऑफ अर्थ मास ऑफ अर्थ आ, देन इस कंडीशन में आपको कैलकुलेट करना है इसके विलेसिटी कितनी होगी यानी देखिए क्वेश्चन इस तरह से है कि स्केट ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट इज 1 बाई टू टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ द प्लेनेट इज वन बाई फोर टाइम्स ऑफ मास ऑफ द अर्थ देन फाइंड इसके बिलासिटी ऑफ प्लेनेट तो इसके ब्लास्टी हमको फाइंड करना है प्लेनेट का तो देखिए प्लेनेट का इसके बिलासटी कितना आ, होगा तो प्लेनेट के कंडीशन में जाएंगे तो ये हमको मिलेगा आ, टू जी आ, एम पी अपन आर पी ये हो गया ठीक है तो अब रखिए अंडर रूट टू और जी एम तो जी तो है ही है और यम का मान है वन बाई फोर आ, आर सॉरी सॉरी मास ऑफ दी अर्थ एंड अपान में आ गए आर पी की जगह पर रखना है वन बाई टू आर ई ये मिल गया अब देखें वन बाई फोर वन बाई टू तो वन बाई टू कैंसिल हुआ वन बाई टू आ गया यहाँ पे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट जी एम ई अपन टू आर ई इतना हुआ अभी इसको आप सोच रहे होंगे कि दो टू से टू हम कट कर दें तो आ, कट करने से हमें कोई विशेष प्रॉफिट नहीं मिल रहा है हमको इतने का देखिए रूट में ये पोर्शन ही इसके बिलासटी है तो अब इसके विलासटी ऑफ ऑर्थ हो गया अपन रूट टू हो गया तो इसके बिलास्ट या फॉर्थ ये हो गया अब इसको इलेवन पॉइंट टू अपन रूट टू का वन वन पॉइंट फोर वन सेवन पॉइंट नाइन थ्री किलोमीटर पर हावर ये हो जाएगा चलिए तो आप इसको नोट करें आ, तो ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया आ, नोट करें वन टू तो थ्री मिटा दें मिटा दें ओके चलिए अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि एक प्लेनेट पर जो एसिलेशन है एसिलेशन डू टू ग्रेविटी प्लेनेट का रूट सिक्स बाई इलेवन रूट सिक्स क्वेश्चन हमारा है कि एक प्लेनेट प्लेनेट पर जो एसिलेशन डू टू ग्रेविटी है रूट सिक्स बाई इलेवन जी ई रूट सिक्स बाई जिले इलेवन जी ई है और डेंसिटी जो है वो डेंसिटी डेंसिटी ऑफ प्लेनेट इक्वल टू टू बाई थ्री टू बाई थ्री ये डेंसिटी इतना दे रखा है तो अब हम लोगों को फाइंड करना है आ, इसके बिलासटी ऑफ प्लेनेट इसके बिलासटी ऑफ प्लेनेट हमको बताना है और अर्थ सरफेस पर जो आ, इसके बिलासटी है वो दे रखा है अर्थ सरफेस पर अर्थ सरफेस है उस पर सॉरी इसके बिलासटी है वो कितना है इसके बिलासटी है इलेवन किलोमीटर पर सेकेंड ये अर्थ सरफेस वाला दे रखा है और हमको देखिए फिर क्वेश्चन हम बोल देते हैं कि एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट इक्वल टू रूट सिक्स बाई इलेवन एसले टाइम एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ आप जो डेंसिटी है वो टू बाई थ्री डेंसिटी ऑफ अर्थ है और uh, इसकी विलासिटी ऑफ अर्थ दे रखा है इलेवन तो हम लोग uh, यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं इसके विलास्टी के कंडीशन में आ, उसके टर्म में भी हम लोग लिए थे लेकिन रेडियस नहीं दिया है रेडियस यहाँ पर नहीं दिया है तो रेडियस का कंडीशन हम कैसे यहाँ पे आ, ये कौन सा टर्म ले कि यहाँ से हम लोगों को मिल जाए हाँ चलिए ये लेते हैं पहले जी पी एक्वल टू जी एम पी अपान आर पी स्क्वायर ये मिलेगा हमको जी एम पी और एम पी को हम लिख सकते हैं कितना जी और फोर बाई थ्री पाई आर पी पर क्यूब और बटा बटा हो गया आर पी स्क्वायर ये मिल गया अब दूसरे का लेते हैं अर्थ के कंडीशन में तो जी और यम ई अपन आर ई और यहाँ पे भी हम लिख रहे हैं जी M ई की जगह पर फोर बाई थ्री पाई आर आर पी आर पी सॉरी आर ई का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे सॉरी क्यूब है और यहाँ पे है आर ई का स्क्वायर ये मेरा अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये देखिए जी है फोर बाई थ्री पाई और आर पी स्क्वायर और इसको कर दें इसको करें दे, रो भी रहेगा डेंसिटी ऑफ प्लेनेट और यहाँ डेंसिटी ऑफ अर्थ ये दो चीज़ें रहेगा अब देखें कि ये कैंसिल हुआ और रो यहाँ पे आ गया एक आ रहा है सॉरी आर आर स्क्वायर आर पी स्क्वायर है तो ये क्यूब कट गया अब यहां से अगर कट करते हैं तो R स्क्वायर यह कैंसिल हुआ तो जी और फोर बाई थ्री पाई और कितना है आर ए, ये हमारा आरी मिल गया और e ये मिलेगा आ, इसके जगह पर अब प्लेनेट का है तो दोनों का हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं तो यहां से रेशियो फाइंड करें तो देखें जी पी अपान जी पी अपान जी ई जी पी अपान जी ई इक्वल टू मिल जाएगा आ, ये आ, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये प्लेनेट का है तो देखिए आर पी आ, रो पी बाई आ, आर ई आर ई रो ई ये मिलेगा हमको अब ये चीज़ें हम निकाल लेते हैं यही हमको नहीं मालूम है तो इसको निकालें तो देखिए आर पी अपन आर ई और ये इधर ले आ देंगे तो जी पी अपन जी ई और ये हो जाएगा रो पी अपन सॉरी सॉरी इसको हम ये निकाल लें तो ये हाँ रो ई अपन रो पी। ये मिल गया हमको अब यहां से इतना हो गया अब याद करें जो हम लोगों का फार्मूला था आ, इसके विलास्टी का तो इसके विलास्टी का फार्मूला था वी ई इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम ई अपन आर इतना था अब एक काम और कर सकते हैं यहां से देखिए कि जो बेसिक हम लोगों का है जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर इक्वल टू जी या इसी को हम जी एम ई और दो आर है तो एक आर ई को रहने देते हैं यहां पे ले आ देते हैं जी आर ई तो यहाँ पे रख दें इतने की वैल्यू रख देते हैं तो इतने की वैल्यू कितनी मिल जाएगी जी आर ई तो अंडर रूट हमको मिल जाएगा टू जी आर ई अपॉन सॉरी इस्मॉल जी टू जी आर ई ये भी हमारा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो एक तो रिलेशन हमको मिल गया ये ठीक है एक रिलेशन ये मिला और दूसरे रिलेशन तो आइए यहाँ से आ, हम ले लेते हैं प्लेनेट की इसके विलास्टी होगी एसलेसन ऑफ प्लेनेट टू जी पी और ये आर uh, पी और यहाँ पे आ गए ई इक्वल टू अंडर टू जी ई आर ई अब वी पी अपॉन वी ई को डिवाइड कर दें तो हम लोगों को मिल जाएगा uh, टू से टू कैंसिल होगा जी पी अपन जी ई इंटू आर पी अपन आर ई देखे और यहाँ पे आर पी अपन आर ई हम लोग एक रिलेशन निकाल चुके हैं ये मिला है तो इसको हम रख सकते हैं देखिए अंडर रूट जी पी अपन जी ई इन यहाँ से मिला है जी पी अपन जी ई और इनटू है रो ई अपन पी ये मिला तो जी पी जी पी का स्क्वायर हो रहा है वो तो बाहर निकल कर आ जाएगा तो ये हो गया हम लोग का जी पी बाई जी ई इंटू अंडर रूट रो ई अपन पी ये हुआ अब देखिए क्या क्या दे रखा है यहाँ से आ, ये देखेंगे तो जी पी अपन जी ई रूट सिक्स बाई इलेवन तो रूट सिक्स बाई इलेवन ये मिला रूट सिक्स बाई इलेवन ये होगा और दूसरा यहाँ थ्री बाई टू यहाँ से निकाले रो पी इक्वल टू रो ई e, तो ये रो ई अपन रो पी तो थ्री बाई टू हो जाएगा हम लोगों का आ, हाँ ये कर देते हैं थ्री बाई टू थ्री बाई टू हो गया अब देखें थ्री बाई टू है तो और इन टू वी पी ये है और वी ई को ये रूट में है सॉरी रूट में है आ, तो रूट में है तो हाँ देखिए इतना हुआ आ, अब क्या करना है ये देख यहाँ पर समझ लें इस जगह पर यहाँ पे रो ई है और ये है रो पी तो अब इसको इधर ले आ देते हैं तो रो ई अपॉन रो पी इक्वल टू मिल जाएगा थ्री बाई टू तो ये थ्री बाई टू हो गया अब इसको हम आ, रूट सिक्स को आ, ये ई है आ, ये देखें भी ई को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ई हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा अब आप देखें कि हमने क्या किया कि ये रूट टू है इसको हम लिख देंगे रूट रूट टू इंटू रूट थ्री तो रूट टू से रूट थ्री कट गया रूट थ्री और इंटू रूट थ्री कितना होगा थ्री थ्री बाई इलेवन तो थ्री बाई इलेवन और इंटू ये दे रखा है देखिए इलेवन तो ये हो गया इलेवन इलेवन से इलेवन मरा कितना आया थ्री किलोमीटर पर सेकेंड तो देखें एक बार और फिर इसको हम समझा दें हमारे पास क्वेश्चन है कि एक प्लेनेट है और उस प्लेनेट पर जो एसलेशन डू टू ग्रेविटी है प्लेनेट का वो रूट सिक्स बाई इलेवन टाइम है एसलेशन डू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ अर्थ का और जो डेंसिटी है वो अर्थ के डेंसिटी का टू बाई थर्ड टाइम है और इसके भी लास्ट या दे रखा है इलेवन किलोमीटर पर सेकेंड तो अब हमारे पास ये देखिए ग्रेविटेशन और रेडियस नहीं दिया है और इस फार्मूले में जो हम लोगों का फॉर्मूला है जी एम ई अपन रेडियस सही है तो अब रेडियस नहीं है डेंसिटी है तो हम डेंसिटी को चेंज करेंगे ये हो गया जी पी जी एम पी अपन आर पी स्क्वायर अब एम पी मास ऑफ द प्लेनेट रखा तो मास ऑफ प्लेनेट फोर बाई थ्री पाई आर पी पर क्यू इनटू रो पी अपन आर पी का स्क्वायर आर पी स्क्वायर यहाँ से कट गया तो एक आरपी और रोपी ये हुआ आ, ये स्मॉल जी का हम लोग अर्थ का ग्रेविटेशन लेते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी एम ई अपन आर ई एम ई की वैल्यू रखा फिर हमको इतना मिला अब दोनों को डिवाइड कर दिया तो डिवाइड किया तो देखें इतना टर्म तो कॉमन है ये कैंसिल आउट होगा ये मिलेगा हमको तो हमको तो ये नहीं माल ये नहीं नोन है तो इसको हमको मालूम करना है तो इतना तो इस पोर्शन को इधर ले आ देंगे गुणा मल्टीप्लाई कर दिया ये मिल गया यानी आर पी अपन आर ई इक्वल टू हमको मिल जाएगा इतना अब देखें वी इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम ई अपन आर ई होता है और जी एम ई अपन आर ई इक्वल टू जी आर ई तो जी आर ई रखा है तो इसके बिलासटिक का एक फार्मूला ये भी मिला अब यहाँ से हम लोग इसके लिए प्लेनेट के लिए इसके ब्लास्ट लिए अर्थ के लिए दोनों को हमने डिवाइड किया डिवाइड करने के बाद से हमारे हमको ये मिल गया अब इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे यहाँ पे ये अब ये जी पी जी पी मल्टीप्लाई हुआ जी जी मल्टीप्लाई स्क्वायर होकर बाहर आया देयरफॉर फोर जी पी जी ई और ये अंडर रूट रोई अपन रोपी अब ये रोई अपन रोपी हो जाएगा थ्री बाई टू और जीपी अपन जी हो गया रूट सिक्स बाई इलेवन हमने पुट किया ये रिजल्ट आ गया तो ये क्वेश्चन था एक क्वेश्चन और आ, कर लेते हैं आ, उसके बाद से फिर सेशन का एंड करते हैं तो नोट करें नोट कर लिया ओके 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 तो ये हो जाएगा हम लोग का आ, अब एक क्वेश्चन और लेंगे और उस क्वेश्चन को वो भी क्वेश्चन बेहतर है क्वेश्चन तो इस चलिए क्वेश्चन है हमारा कि एक मास हमारे पास यहाँ पे है एम वन और एक मास जो होता है कैपिटल एम ले लेते हैं एम टू कैप्टल एम एम वन और इसके सेंटर और इसके सेंटर यहाँ पे एक छोटा मास है यम ये आर वन डिस्टेंस पर आर टू डिस्टेंस पर इस मास को हमको एस्केप कराना है तो एस्केप कराने के लिए इसकी इसकेप वास्टी कितनी होगी तो इस मास को हमको कहाँ भेजना है इनफिनिटी पर इनफिनिटी पर तो अब वही लगा लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल इनर्जी तो कंजर्वेशन ऑफ के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल ये हो गया के इनिशियल वन बाई टू हाफ एम किसको इसको ले जा रहे हैं तो भी ए ये हो गया आ, ये स्क्वायर अब देखें पोटेंशियल इनर्जी इनिशियल तो इस मास के कारण यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी जी एम वन अपान आर वन और इस्मॉल एम माइनस जी एम टू अपन आर टू जी एम टू और यम इक्वल टू इन्फिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों जीरो होंगी ये मास इस मास से सबके सब कैंसिल के सब होंगे तो यहाँ पे ई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू इसको उधर ले जाएंगे तो जी एम वन बाई आर वन प्लस जी एम टू बाई आर टू ये हुआ टू को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो वी ई इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम वन अपन आर वन प्लस टू जी एम टू अपन आर टू इसके लिए स्केप uh, कराने के लिए इतनी बिलास्टिक हमको देना पड़ेगा अब इसके बिलास्टिक का uh, दो कंसेप्ट और देख ले uh, पहला कंसेप्ट जो इस्केप बिलास्टी है यहाँ पे टू जी एम अपन आर ये अब यहाँ पे देखें तो ये मास आपदी किसका अर्थ का है तो मास आपदी अर्थ यानी जो हमने स्टोन फेंका या कोई भी चीज़ फेंक रहे हैं तो उसका मास इसमें इन्वॉल्व नहीं है यानी इसके विलासिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दी आ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर भी डिपेंड नहीं करता दूसरी चीज कि इसकी विलासिटी इनडिपेंस इंडिपेंडेंट अपॉन डायरेक्शन डायरेक्शन पर भी डिपेंड नहीं करता हम इस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं कि इधर फेंक रहे हैं कि इधर फेंक रहे हैं नो no मैटर कोई मैटर नहीं करता है कि हम वर्टिकली फेंक रहे हैं या एंगल पर फेंक रहा है या हॉर्जेंटल फेंक रहा, रहा है इसके विलास्टी इंडिपेंडेंट अपॉन डायरेक्शन तो दो पॉइंट आपका यहाँ पे नोट करना है कि हम uh, पहली चीज तो मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है इसके भी लास्टी और फिर किस पर नहीं डिपेंड करता है इनडिपेंडेंट होता है डायरेक्शन पर आई होप आपको समझ में आया होगा अगर कोई क्यूरी है कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ओके थैंक यू